तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इस दमोह जिले के लिए खास तौर पर एक जिला अस्पताल है जहां जिले भर के मरीज आते हैं। यहां मात्र 7 डॉक्टर हैं, 2000 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एक दिन में यहां हजारों मरीज रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इलाज की हालत इतनी खराब है कि जैसे ही मरीज थोड़ा सा भी गंभीर स्थिति में हो उसे जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। आए दिन जनता और डॉक्टरों के बीच झड़प की स्थिति बनी रहती है। तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा होगा। यहां जनप्रतिनिधि वर्षों से वादे करते आ रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई सुधार देखने नहीं मिला। आए दिन वादे किए जाते हैं लेकिन परिणाम सिफर है। अब इस लोकसभा चुनाव में स्वास्थ्य को लेकर ही जनप्रतिनिधियों के लिए फिर से जागृत किया जाएगा। देखना है कौन क्या वादा करता है और कितना उसको मूल रूप से साकार करता है। धन्यवाद। लोकसभा में अगर मुद्दे रहेंगे विकास को लेकर बोलते हैं, जैसे कि दमोह में कोई विकास नहीं हुआ है और अभी कोई बेरोजगारी चल रही है, ना कोई फैक्ट्री वगैरह है और दमोह के लड़के सब बेरोजगार हैं। हम लोग नव युवा लोग उसी को वोट देंगे जो एक रोजगार लाएगा, और जाति के वोट दे देंगे, वोट उसे देंगे जो दमोह का विकास करेगा, दमोह में रोजगार लाएगा उसे वोट देंगे। और दमोह में कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं है और हम यही चाहेंगे कानून व्यवस्था सुधरे और दमोह का विकास हो और दमोह में बेरोजगारी हो। स्टूडेंट और मैं एमए अभी कर रही हूँ और भी मेरे जैसे और भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग को हमारा जो फ्यूचर है, जो भविष्य बनना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा इस बार यही जो मुद्दा है वो ये है कि कोई सरकार कोई भी आए लेकिन एक ऐसी सरकार भी आनी चाहिए जो स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में सोचे कि उनका फ्यूचर आगे होना क्या चाहिए, वो क्या पाना चाहते हैं, मिले रोज़गार मिले, हर एक स्टूडेंट को रोज़गार मिले। कुछ दिनों पूर्व विधानसभा के चुनाव हुए और अब लोकसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। प्रश्न पार्टी का नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, पार्टी कोई भी हो, चाहे भले निर्दलीय हो, लेकिन जो देश में छाया हुआ कश्मीर घाटी का या आतंकवादी जो मुद्दा है उसमें विशेष रूप से एक कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जिससे लोग स्वतंत्रता के साथ सच्चे मन से सुखी परिवार के साथ अपना व्यवहार जीवन निभा सकें। मतलब आज आतंकवाद बड़ा मुद्दा मानते हैं आप देश में? बड़ा मुद्दा है ही, आदमी घर से नहीं निकल सकता, आदमी बाहर नहीं जा सकता, आदमी घूमने कश्मीर नहीं जा सकता, इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? इसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती। यदि हम बात दूसरी तरफ ले लें अयोध्या मुद्दा, तो उस पर भी कोई निराकरण वर्षों से नहीं हो रहा है। तो जब तक इन चीजों का हल नहीं होता तब तक कोई भी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कोई भी सांसद हो, कोई भी पार्टी हो, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए जी। जैसे सीमेंट फैक्ट्री है उसमें रोजगार से लगे हैं, ऐसी और भी उद्योग आना चाहिए दमोह में जिससे रोजगार मिले। अभी क्या स्थिति है, अभी बेरोजगारी ज्यादा है क्या? हाँ, हर जगह बेरोजगारी है। मेरा मुद्दा यह है, मैं खुद 6 महीने से बेरोजगार हूँ, ना मुझे कोई काम मिल रहा है। मैं काम की तलाश में कागज लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, मैं 10वीं क्लास में कागज लेकर फिर रहा हूँ और मुझे खुद बेरोजगार हूँ, रोजगार नहीं मिल रहा। मेरा मुद्दा यह है कि दमोह में ना तो कोई काम है ना कोई धंधा है। अगर आमतौर से कोई ठेला वाला भी ठेला तो ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, ये यहाँ मत लगाओ, यहाँ मत लगाओ, ना तो कोई जगह निर्धारित ना कोई फैक्ट्री है दमोह में तो जो हम लोगों के लिए रोजगार दे सके। और जो रोजगार मेले लगाए जाते हैं, हर बार रोजगार मेले, मैंने हर बार फॉर्म लिया है, भरा है रोजगार मेले में। जय श्री राम। मैंने अभी देखा कि पत्रिका वह मुद्दे उठाने जा रही है जो जिससे जनता त्रस्त है, परेशान है या दुखी है। तो मेरा भी एक मुझे बात रखनी है, मेरा एक मुद्दा है, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं और हम लोग पांडित कर्म को संपादित करते हैं और हमारा जो भरण पोषण है, विशेषकर जो मैं हूँ, मैं चूंकि पांडित कर्म करता हूँ जिसमें एक और दो के सिक्के नहीं चल रहे हैं,
जिस कारण से हम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। और पहले की सरकारों में हमें ऐसा देखने नहीं मिला कि जो भारत की मुद्रा है वह ना चले। इसके साथ साथ बैंकों में भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लोग सिक्के लेने से मना करते हैं। तो मेरा बस यही अनुरोध है पत्रिका से, पत्रिका परिवार से, कि आप यह मेरा मुद्दा उठाएं, उठा करके हम लोगों को इस भारी समस्या से निजात दिलाएं। हम जैसे कई ऐसे गरीब लोग हैं, सब्जी बेचने वाले कई लोग जो बड़े परेशान हैं, तो आप इस मुद्दे को जरूर उठाएं। लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है वो युवाओं की भागीदारी। हमारा सभी राजनीतिक पार्टियों से ये है कि चुन के कोई भी सरकार आए, युवाओं को सही मार्ग मिले, युवाओं को रोजगार मिले। आज जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है। बेरोजगारी की दर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं, नई फैक्ट्रियाँ डेवलप नहीं हो पा रही हैं, और जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, उनका निरंतर पतन में जा रही है। चाहे वो BSNL हो, चाहे हल हो, चाहे रेल हो, कोई भी सरकार आती हो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देने में सरकारों के हित निहित रहते हैं। तो हमारा सरकार से, जो भी सरकार चुन कर आए उनसे यही हमारा व्यू है, हमारी सोच है कि कम से कम सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और बेरोजगारी की समस्या खत्म किया जाए। लेकिन प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? क्या प्रत्याशी वो हकदार है उस चीज़ का डिजर्व करता? जैसे कि हमारे दमोह शहर में बहुत सी अभी असुविधाएं हैं छात्राओं को, छात्र छात्राओं को शिक्षा में जो भी अभी योजनाएं चलाई जाती हैं वो छात्राओं तक नहीं मिल पाती, और सबसे मेन मुद्दा उनकी लाइब्रेरी का है, ड्रेस कोड का है, एग्जामिनेशन का है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस कॉलेज है, बिल्डिंग है, लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है, क्लासेस नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इस मुद्दे पर सुझाव, मतलब कि इस मुद्दे पर सुधार होना चाहिए। और जो हमारे दमोह शहर में दिन व दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटित होती जा रही हैं छात्राओं की सुरक्षा को लेके, ये मेन मुद्दा है। इसमें छात्राएं अपने घर से आज़ाद भी नहीं हो पा रही कि वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रही क्योंकि इनकी सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है दमोह शहर में कि इसमें विगत अभी सप्ताह 15 दिनों पहले जो इतनी दुर्घटनाएं छात्राओं के साथ घटित होती जा रही हैं, उसमें स्वाभिमान तो नारियों को बहुत ही कुछ ला जा रहा है, उसमें उनकी बहुत ही दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। और समाज में भी एक ऐसी जरूरत है कि एकाग्रता हो, जातिवाद में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज हमारे दमोह जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है जो बुंदेलखंड का दमोह जिला है। यहाँ विगत 35 वर्षों से BJP शासन में था, अभी वर्तमान में कांग्रेस शासन में है। पर सभी लोग वादे करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ये करेंगे वो करेंगे, पर शिक्षा आज सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। यहाँ युवाओं के लिए पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ रहा है, इंदौर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, दमोह में कोई साधन नहीं है। मैं जो आगामी जो सरकार है, मोदी जी हैं या कमलनाथ जी हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि दमोह में कोई शिक्षा का बड़ा स्तर स्थापित करें जिससे दमोह के नौजवानों के लिए बाहर जाके उनको पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े।